योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद गुरुवार को बीजेपी ने आधिकारिक तौर से नए प्रदेश का अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। पश्चिमी यूपी के जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी के जरिए बीजेपी ने सूबे में क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही संतुलन बनाने के लिए ये दांव चला है। भूपेंद्र चौधरी को यूपी में पार्टी की कमान सौंपकर पश्चिमी यूपी में आरएलडी सपा के गठबंधन का असर कम करने की भी रणनीति मानी जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी को 2022 के चुनाव में सूबे के जिस इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है वो पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली और रामपुर है। चौधरी इसी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उनको आगे करने से पश्चिमी यूपी की जाटों के प्रभाव वाले 1.5 दर्जन लोकसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी करीबी माना जाता है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जाट चेहरा लाकर भाजपा जहां किसान आंदोलन के कारण पार्टी से दूर माने जा रहे जाटों और किसानों को मनाने का प्रयास किया है, अगर ये दांव सटीक बैठता है तो पश्चिमी यूपी में पार्टी का जनाधार और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।